नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में आप जानिए रक्षाबंधन की सही तिथि और मुहूर्त। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एडवांस में रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस वर्ष रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा का साया रहने के कारण राखी 30 और 31 अगस्त यानी कि 2 दिन मनाई जाएगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। हर साल इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधते हुए उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई बहन को उपहार देते हुए हमेशा उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हमेशा ही भद्रा रहित काल में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार पर इस वर्ष भद्रा का साया रहने से राखी कब बांधना उचित होगा, रक्षाबंधन का सही तिथि क्या है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हमेशा इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए। अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहे तो भाई की कलाई में राखी नहीं बांधनी चाहिए। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक इस वर्ष 30 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रा काल शुरू हो जाएगी। 30 अगस्त को भद्रा रात 9:02 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल के दौरान रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है। राखी हमेशा ही भद्रा रहित काल में ही बांधना शुभ माना गया है। वहीं राखी बांधने के लिए श्रावण पूर्णिमा तिथि में दोपहर का समय सबसे शुभ समय होता है। लेकिन इस साल रक्षाबंधन के त्योहार की श्रावण पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त से लग रही है और पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। इस तरह से 30 अगस्त को दिन के समय रक्षाबंधन का मुहूर्त नहीं रहेगा। 30 अगस्त को भद्रा रात 9:02 तक रहेगी। ऐसे में 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद राखी बांध सकते हैं। यदि किसी कारणवश कोई 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना पाया तो 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक रहेगी। इस समय में भद्रा का साया भी नहीं होगा। इस वजह से 31 अगस्त को सुबह के समय आप राखी बंधवा सकते हैं। ऐसे में इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जा सकता है, लेकिन आपको भद्रा काल का ध्यान जरूर रखना होगा। तो दोस्तों, अब तक तो आपको राखी से जुड़े हुए शुभ मुहूर्त की जानकारी मिल ही गई होगी। आशा है आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जरूरी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई बहन इसका लाभ उठा सकें। आप सभी को एक बार फिर से राखी की